आप लोग सुनियो हो कि किन प्रकार नरसी जी रो मायरो भरण वास्ते नानी बाई अपने बाबो सारे कने जाइन केवे नानी बाई केवे कि बाबो सा आप भला पधारिया खूब चोखो काम करियो लेकिन बाबो सा अगर मायरो भरनारी शक्ति नहीं ही तो थे क्यों आया थे। तब नरसिंह जी महाराज केवन लगा कि भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, जितो मायरो भरनो है जो भी सामान लिखो है सब मारो सावरियो भरसी, मारो गिरधर सब सामान लावेला, बिल्कुल चिंता मत कर, तू तो निश्चिंत वेन आराम हो भगवान रो भजन करना में लागी रहे, तू तो ब्यावरी तैयारियां कर, थारे बेटी रो ब्याव है तू तो ब्यावरी तैयारियां कर। नरसिंह जी महाराज इन प्रकार नानी बाई ने केवन लगा। अब नानी बाई अपनी सहेलियां ने लेन आई और ब्यावरी स्थापना भी इन प्रकार नानी बाई जल रो कलसियो लेन पाछी घर आई। घर आयन जो ही घर में घुसी है महाराज, घर रो माहौल देखो, घर में घुसते ही आगे सासू तैयार, सासुर लारे नरण तैयार, महाराज नरेंद्र लारे वा डोकरी दादिया सासू तैयार, कमर माता हाथ रखी जोरदार इंतजारी करती के कदी नानी आवेन, कदी पूछू कहीं कहीं लाया है। अब केवन लागी सासू, अरे कौदोनी बहु जी थारे बाबा जी री बात, अरे कितना तो लाया रे थारे दोवड़ तेवड़ दात। केवन लागी बहु जाए नहीं थारे पिताजी रे कने जाए न आएगी। सासू जी तो इतरो कि बोलियो कि लारू वा बुढ़ी डोकरी दादी सासू आयो इनके वे, अरे वो मोडियो कहीं लेन आयो है। तब नानी बाई ने सब लोग पूछन लगा कहीं कहीं सामान लायो है। नानी बाई केवे थे लोग जानो मारे बाबा जी री बार कहीं स्थिति है, इन बात तो थाने भान है, मालूम भी है कि मारे बाबा जी अबार बिल्कुल निर्धन वियोड़ा है, बिल्कुल भगवान रे भजन में लागोड़ा है, वे मारे वास्ते कहीं ला सके। नारायणो केवन लागो, रेवा दे रेवा दे रेवा दे, इतनी मोटी हवेली बनाई ही, इतना पैसा टका लाया, सब तो डोकरियों एक ही साल में लोगों ने बांट बांट में लुटाई दिया, अब मायरो कया भरी। नानी बाई केवन लागी कि देखो थे जितो भी थाने कहना है वो कह दो, लेकिन महाराज मारे पिताजी ने मत कहो। इतनी देर में जो नारायणो बोलियो, नारायणो बंद वेती नड़न भाई सा आई और वहां मोर्चो मल्यो। नड़न भाई सा केवन लागी, वाह रेवा दे हैं, एड़ा मोडिया ने देख ने मैं तो लज्जा ही मरा हाँ, मान तो शर्म आवे कि मारे एड़ा ब्याई है, हाथ लेन भी आयो तो किना लायो, कोई भाई बंद ने लाव तो ही कोई नहीं, हाथ तो है सोड़ा मोडिया लायो है, सूर्या लायो है, आंधा ठीकरा ने पकड़ने लायो है, उन्हें तो देख देखने में लज्जा मरा हाँ। इन प्रकार नड़न भाई सा आपने अपशब्द केवन लागी और केवन लागी नड़न भाई सा जुई केवे महाराज अटने मारी नानी बाई भगवान रो नाम ले तोड़ी सबान फूल जवाब दे रही है महाराज, क्योंकि आज पिताजी आया। इतना साल नानी बाई किन्नी सामने नहीं बोली, क्योंकि वह जानती कि वो सब मारो परिवार है, लेकिन आज पिताजी रो पावर आयोड़ो है। नानी बाई केवन लागी, अरे बाबा जी ने देख्या मैं तो हरी ने भरी, अरे मायरो नहीं लाया मारे आया तो खरी, मैं तुम्हारे पिताजी ने देखने बहुत राजी भी हूं, थे थारे कितना ही कहनो वे जितना कह लो, भले ही मारे वास्ते मायरो नहीं लाया लेकिन इतनी बुढ़ापा में एड़ी अवस्था में बुजुर्ग अवस्था में मारे वास्ते आया तो है। केवन लगा, अरे भूंडा भला सासू जीते किस्या ही की जो, पण मारा बूढ़ा बाप जी थे जीवता रही जो। महाराज एक बेटी रे मन रो उद्गार देखो आप, नानी बाई बिल्कुल सहन नहीं कर सके, महाराज एक बेटी री महिमा अटे आप सुन सकोला। कठे भी महाराज बेटी ने कह दो, बेटी ने परिवार रे बारे में कह दो, बेटी रे ससुराल में धनी रे बारे में कह दो चल जाई, लेकिन बेटी आपने बाप रे विरोध बिल्कुल नहीं सुन सकेला,
क्योंकि इन दुनिया में अगर बाप रे प्रति किन्नो ही है जे तो सिर्फ और सिर्फ बेटी रो है। महाराज नानी भाई खुल्लो जवाब दे रही है, आप बेटी री महिमा है। अब आर पिताजी घर में अगर कितरो भी परेशान वेला, अगर पिताजी आप री बेटी रे कन जाएं बैठेला तो उन्नी सारी परेशानी दूर वे जावे, आ बेटी की महिमा है। घर में पिताजी दुखी वे नावे जन भाई तो टांग प्रसारण ने माचा माते हुतो रेवे, कोई चिंता नहीं, न तो देखे न ध्यान रखे, कदी आयन यू नहीं पूछे कि महाराज कहीं करियो है, पिताजी किया हो, थानी तबीयत क्या न है, सबे तो ठीक है नहीं। लेकिन नहीं महाराज, घर में अगर बाप आवे तो बेटी पानी रे लोटो भरन लावे के पिताजी पानी पी लियो। महाराज बेटी री महिमा है। अगर पिता रो ध्यान रखना रो कोई कर्तव्य है, माँ बाप रे सेवा करन रो कोई काम है तो सिर्फ और सिर्फ बेटी करे महाराज, बेटी करे। इन प्रकार रू कई महिमा करूं महाराज बेटी। महाराज जडेज बेटी अगर घरों विदा वे जन सबू ज्यादा दुख वे तो सिर्फ और सिर्फ पिता ने। माँ तो कर्तव्य समझे कि आज मारी बेटी जा रही है, मारो कर्तव्य पूरो वियो, लेकिन बेटी जावे जन पिता ने दुख वे समूह ज्यादा, क्योंकि बेटी एक घर ने नहीं दो दो घर ने तारे है? बेटी तीन तीन घरा ने तारे, एक संत महात्मा तो दो नहीं तीन तीन घर की बात करी, एक तो आपने ननियाल रो, एक आपनो खुदरो घर और एक आपने सासरा रो, तीन तीन घरा ने महाराज बेटी तारे। इतनी बड़ी बेटी ने महिमा कही है, लेकिन फिर भी सोच करके दुख होता है कि आज भी बेटा और बेटी में इसी प्रकार से खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। आज भी बेटे को तो खुलेआम पढ़ाया जाता है, बारहवीं कराए, ग्रेजुएशन कराए, आगे कॉलेज करवाते हुए एमए बीएड सब कुछ करवाते हैं, पीएचडी करवाते हैं, 15-15 साल उसे पढ़ाई में लगा देते हैं, चाहे बेटा एक भी रुपया ला करके घर पे ना देता हो, लेकिन बाप पैसा खर्च करता है। लेकिन जब बेटी की शिक्षा की बात आती है महाराज, किसी भी बेटी को पढ़ाया नहीं जा रहा है। मानता हूँ शहरों में तो नवीनता आई है, विचारों में साक्षरता भी आई है, लेकिन आज भी गाँवों में देखने जाएं तो बेटी को 8वीं पास कराई 10वीं पास कराई, बेटी घर में बैठ जाओ। फिर कहा जाता है कि बेटी का स्थान सिर्फ घर में चूल्हा चलाने का है। नहीं महाराज, कोई जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ बेटी का काम घर में चूल्हा जलाने का होता तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला नहीं होती। महाराज नासा के अंदर अभी भी भारतीय मूल की एक महिला है जो सबसे ज्यादा अधिक वक्त जहां पुरुष नहीं बिता पाए वहां अंतरिक्ष में वो महिला सुनीता विलियम्स जाकर के आई है। क्या बात, वो महिला नहीं है, वो औरत नहीं, वो स्त्री नहीं है, लेकिन फिर भी स्त्री के साथ में हमारे इस देश में शुरू से ये भेदभाव होता आया है। लेकिन महाराज जब तक संत जीवित हैं, जब तक संतों की अवधारणा जीवित है, उचित नई न्याय व्यवस्था जीवित है, तब तक ये प्रतिकार स्त्रियों के साथ में हम नहीं होने देंगे। महाराज आप लोग ये नवीनता लाइए, अपने विचारों को शुद्ध करिए, ये मानसिकता को धो डालिए महाराज कि स्त्री पढ़ नहीं सकती, बेटी पढ़ेगी तो आपके बेटे को भी पढ़ाएगी महाराज। आखिर बच्चा जब जन्म लेता है तब जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक सबसे ज्यादा समय माँ स्त्री स्वरूप के साथ में व्यतीत करता है। अगर स्त्री पढ़ी होगी तो आपके समाज भी पढ़ा रहेगा। हमारा पुराण तो यहाँ तक कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। फिर भी हमारे देश में महाराज बेटी को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। सोच करके बड़ा दुख होता है जब सुनते हैं कि क्या हुआ है, बेटी हुई है कि भाटो वियो है। महाराज ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सुनते हैं कि बेटा हुआ है कि नहीं महाराज बहुत हीरो जन्मे हो, हमारे घर में रत्न वियो है। बेटा जन्मते तब बड़े जोर शोर से ढिंडोरा पीटते हैं, घर में जन्मते ही बेटे के लिए थाली बजाते हैं, पर बेटी जन्मते हैं तब सुपड़ा। मैं इसी धरा से हूं, मुझे पता है यहाँ की लोक रीति रिवाज। महाराज ये हंसने से ज्यादा ये सोचने और दुखद विषय है। इस बात पर हंसना नहीं, इस बात पर विचार करने की बात है
अरे महाराज मैं तो ये बात पक्की मानता हूँ कि बेटा जन्मा है वो थोड़ा दिन बाद में थाना घर्रा ठीक रहे फोड़ी महाराज भले तो ठीक रहा बजाओ, लेकिन अगर बेटी जन्मेला तो वाह उणी सुपड़ा में थारे घर रो जितरो भी कचरो है वाह बारे फेंकेला महाराज भले सुपड़ा बजाओ की बजाओ है? इतना भेदभाव, वो भी हमारी लोक संस्कृति में, इतनी महान संस्कृति, देवा देव और देवियों की ये ऋषि भूमि है, यहाँ पर शतचंडी कालिका माता माता भगवती हिंगलाज माता की इस धरा पर भी अगर इस प्रकार से भेदभाव किया जाता है तो महाराज खुले दिल से कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए न तो मेरी कथा में जगह है न हिंगलाज माता के इस पावन प्रांगण में जगह है। अगर स्त्रियों की और बेटियों का सम्मान करना ना आता हो ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। महाराज बेटियों को पूरा सम्मान दो, आपके कुल की, कहते हैं बेटा कुल का दीपक होता है, मैं कहता हूँ बेटा कुल का दीपक नहीं बेटी कुल की ज्योति होती है महाराज, बेटी कुल की ज्योति होती है। इसलिए स्त्री को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाने के लिए आप लोग आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि आज नानी बाई के ऊपर मैं बात उठाता हूँ कि आज अगर नानी बाई साक्षत होती, अपने पैरों पे खड़ी होती तो शायद उसके साथ ऐसा दिन नहीं आता कि उसके घर वाले उसके ऊपर प्रताड़ना सहन करते रहे, उसकी नड़न मारती है तो भी मार खाती है, बेवजह कारणों के द्वारा उसके ऊपर इल्जाम ठहराया जाता है। आज अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होती तो क्या नानी बाई की ऐसी स्थिति आती? नहीं आती। तो महाराज क्या आप चाहते हैं कि हर घर में ऐसी स्थिति पैदा होवे? नहीं महाराज, हम चाहते हैं कि हर घर में खुशहाली पैदा होवे। महाराज अगर लड़को दाहिनो हाथ है तो लड़की भी दाहिनो हाथ बन सके, कोई जरूरी नहीं है कि लड़का ही घर का दाहिना हाथ होता है। नहीं महाराज, आज मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिन परिवार में बेटा नहीं है बेटियां हैं और वो बेटियां ता उम्र अपने माता पिता की सेवा कर रही हैं महाराज, और ऐसे ऐसे बेटे देखे हैं जिनके चार चार बेटे हैं, ऐसे माँ बाप देखे हैं, वो माँ बाप अनाथालय में बैठे हैं, वृद्धाश्रम में बैठे हैं, अनाथों की तरह जिंदगी जी रहे हैं जैसे उनके घर में कोई है ही नहीं। महाराज क्या काम आए आपके वो रतन? महाराज कोई काम नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बेटे बुरे होते हैं, बेटे भी हमारे सिर की मोर है, लेकिन बेटियों की रक्षा करना, उनको खुला उनका आत्मसम्मान दिलाना हमारा कर्तव्य है महाराज, हमारा कर्तव्य है। अब नरसिंह जी महाराज को नाम लेकर के नानी बाई मन ही मन केवे कि मारे बाबा जी ने कुछ भी मत कहिजो महाराज, है मारा बाबा जी मारे वास्ते इतना दूर सू आया है। अब जुई नानी बाई यू केवन लागी नारायणो आयो और नारायणो केवन लागो, अरे आया तो मैं दर्शन पाया मिल दो गहरा राम जी, आया तो मैं दर्शन पाया मिल दो गरा, अरे प्याही जी ने देखा मैं तो लाजाई मरा, राम जी प्याही जी ने देखा मैं तो ला जाही मरा हरि। अरे रे 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 मोटाई जाई काहे को गुमान, राम जी रे 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 मोढारी जाई काहे को गुमान, अरे मोटियो लावे छे खावे मांग मांग धान, राम जी मोटियो लावे छे खावे मांग मांग दान हरि। इन प्रकारों सब घर वाला जो केवट लगा कि थारो बाबू तो मंगतोड़ो है, वो तो भिकारियारी तरह लोगों ने सामने मांग मांग ने खावे, नानी बाई केवन लागी, अरे मारो बाबू मंग तोड़ो है बांध लई जो पाग, राम जी मारो बाबू मंग तोड़ो ते बांध ली जो पाग, बामण को छे अरे बामण को छे भांड मारे मांग वाली लाज, राम जी बामण को छे भांग मारे पांगवारी लाज हरि। अरे भगत बचल प्रभु सार सब काज, राम जी
की भगत बचल प्रभु सर सब काल रानी बहने माय रानी ठाकुर जी ने लाज राधे राम जी ने लाए राधे श्याम जी ने लाए नज नारायण हरि हरि महाराज इन प्रकारों सब घरवाला क्यों लगा नारायण आवन के में अरे आया तो मैं दर्शन पाया मिल दो घेरा अगर आया है तो मैं दर्शन पा लिया भेज दो पाचा उड़ाने तो उल्टा पगा घरा उड़ारी मारे कोई जरूरत नहीं है। अबे जुई नारायण उवियो इतनी देर में नणन भाई सायन पाचा क्यों लगा अरे रे 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 मोडियारी जाई काय को गुमान ए मोडियारी बेटी किन वास्ते इतरो अभिमान दिखावे है कहीं अड़ो थे कर लियो कहीं तू मोटा बापरी है जो इतरो अभिमान दिखावे है केवन लगा अरे मोटियो लावे छे खावे मांग मांग धान केवे कि वो तो मांग मांग ने खावे।